और खबर श्रावस्ती से है, जहां पर खेत की रखवाली करने गए शख्स की उसी के खेत में लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्यवाही में जुटी। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के दिननामगढ़ से सामने आई है, जहाँ पर खेत की रखवाली करने गए 55 वर्षीय मिठूलाल पुत्र बैजनाथ की लाश उसी के खेत से बरामद हुई। जब सुबह सवेरे इसकी जानकारी लोगों को हुई तो भारी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए और इसकी सूचना इकोना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे इकोना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी दल बल के साथ कार्यवाही में जुट गए। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के दिननामगढ़ गाँव का यह पूरा मामला, जहाँ पर अज्ञात हमलावरों की तरफ से किसान का मर्डर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के दिननामगढ़ गांव का यह पूरा मामला। बताया जा रहा है, बीती रात मिठूलाल अपने खेत की रखवाली करने गया हुआ था। लगातार आवारा पशुओं के चलते किसान परेशान है और अपने खेत की रखवाली उन्हें अपने हाथों करना पड़ रहा है। ऐसे में खेत की रखवाली करने गए मिठूलाल की जब सुबह सवेरे तलाश की गई तो उन्हीं के खेत में उनकी लाश पाई गई। ग्राम प्रधान की तरफ से इसकी सूचना इकोना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इकोना पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। वहीं जब घटना की जानकारी श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह को हुई तो मौके पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के दिननामगढ़ गाँव की यह घटना, जहाँ पर खेत की रखवाली करने गए शख्स की उसी के खेत में लाश मिली। जब इस खबर की जानकारी लोगों को हुई तो आसपास के कई गांव के लोग भारी तादाद में खेत में जमा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी है। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के दिननामगढ़ गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर गन्ने के खेत में खेत की रखवाली कर रहे शख्स की लाश पाई गई। तस्वीरें दिननामगढ़ से हैं, जहां पर मिठूलाल के खेत में ही मिठूलाल की बॉडी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। बताया जा रहा है, बीती रात उनका लड़का उन्हें खाना देने आया था। जब उसने आवाज़ लगाई तो पिता ने बताया कि खाना रख दो, अभी हम आकर खा लेंगे। उसके बाद किसी ने मिठूलाल को नहीं देखा और सुबह सवेरे इस घटना की जानकारी होने पर हड़कंप मचा। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी।